अक्सर हम किसी भी काम को करते हैं या किसी भी काम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है हम लोग को आलस आने लगता है और उस काम को हम अपने लाइफ के रिगार्डिंग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकते हो, आलस को अपने आप से कैसे दूर रख सकते हो, आज सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर होने वाला है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं या किसी काम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग के साथ आलस क्यों आता है और हम लोग आलसी कैसे बन जाते हैं और आलस क्यों करने लगते हैं। हर एक चीज को सही तरीके से समझना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। अपने लाइफ के रिगार्डिंग अगर आपको आलस आने लगे, अपने काम के रिगार्डिंग अगर आपको आलस आने लगे, तो आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे और जो भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग करना चाहते हो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हम लोग को आलस क्यों आता है और हम लोग इस चीज से कैसे बच सकते हैं। तो पहला स्टेप करता हूँ कि हम लोग को आलस क्यों आता है और हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सही तरीके से और डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले नंबर में आता है, हम उस काम को हमेशा करते हैं जिस काम में हमको इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस काम को करने का इच्छा नहीं होता, जिस काम को करने का मन नहीं लगता, उस काम को अगर चूज करते हो या उस काम को आप करते हो तो 100% आप कन्फर्म रहो कि आपको उस काम में आलस आएगा ही आएगा, 100% कंफर्म है। दूसरे नंबर में जो चीज आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस चीज को भी समझना। हम अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी करते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी भी काम को कर रहे हैं और सोचते हैं कि किसी काम को स्टार्ट करें, लेकिन हम लोग अपने काम पे हमेशा डाउट करते हैं होगा या नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस चीज को समझना। अगर दोस्त अगर आपको अपने काम पे डाउट है, अपने काम पे डाउट होने का मतलब होता है अपने आप पे डाउट, अगर आप अपने आप पे डाउट करते हो तो 100% कंफर्म है कि आपको आलस आएगा ही आएगा। तीसरे नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस चीज को भी समझना, हम अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं, जिस भी काम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग कभी भी इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, आखिर में मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या जरूरत है उस काम को करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग कभी भी इस चीज को नहीं क्लियर करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इससे हमें क्या मिलने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है दोस्त, लेकिन हम लोग इस चीज को कभी भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग फिगर आउट नहीं करते हैं, जिसके रिगार्डिंग अपने आप को सबसे ज्यादा गिल्ट फील होता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त कि जो भी काम आप कर रहे हो वो क्लियर ही नहीं होगा कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आखिर उस काम को करने का वजह क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज को क्लियर होना। अगर यही चीज आपका क्लियर नहीं होगा तो 100% आप किसी भी काम को करने जाओगे तो आपको आलस तो आएगा दोस्त। बड़ा सिंपल सा बात है इस चीज को समझना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आलस आता है तो सबसे पहले आप अपने काम को क्लियर करो कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और इसका जरूरत क्या है। अगर आपको अपने काम के रिगार्डिंग आलस आता है, आप अपने काम में आलसी बन जाते हो या अपने काम करते टाइम आलस बन जाता है या आप आलसी फील करते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही तीन रीजन होता है दोस्त लाइफ के रिगार्डिंग, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से क्लियर होना चाहिए, ना कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे ज्यादा इस चीज को समझना है कि आप जो भी कर रहे हो सबसे पहले फिगर आउट कर लो, क्लियर कर लो क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं दोस्त कि अपना दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना माइंड, अपना दिमाग, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है इस चीज को समझना। अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में इस चीज को हमेशा क्लियर कर दिया जाए और आप अपने आप से खुद क्लियर कर लो कि आप जो भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या इसका वजह है और आने वाले टाइम में इससे आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप इस चीज को क्लियर कर दो तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है इस चीज को समझना। किसी भी चीज का अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए ना, अगर आप किसी भी फंडामेंटल को सही तरीके से समझ लेते हो, सही तरीके से जान लेते हो, तो आप उसमें किसी भी कैलकुलेशन को फिट कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इस चीज को समझ लो। अगर आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग इन सब चीजों को क्लियर तरीके से समझ लेते हो तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग किसी भी कैलकुलेशन को, कोई भी हो सकता है हर एक चीज को, क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है ना कि मैथ वाला क्वेश्चन है दोस्त। अगर एक बार सही तरीके से फार्मूला को पकड़ में आ गया, एक बार फार्मूला समझ में आ गया, तो उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला,
वैसे ही दोस्त, अगर अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम लोग आलस से कैसे बच सकते हैं और इस चीज़ को कैसे दूर रख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है इस चीज़ को करने के लिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लो अपने लाइफ के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग, कि आप जो भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या वजह है और आगे चल के आपको इससे क्या मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। आप सही तरीके से आप इस चीज़ को क्लियर करो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, 100% मुझे तो पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त इससे बड़ा समझने वाली बात है, समझना इस चीज़ को, अगर आपको सही तरीके से पता है कि आप किस काम को क्यों कर रहे हो और इससे क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप बच जाते हो बाहर के लोगों से, यानी सही सही बोलूँ तो सोसाइटी से बच जाते हो। क्योंकि सोसाइटी सबसे ज़्यादा आपको निगेटिव करती है, क्योंकि सोसाइटी को तो पता नहीं है कि आप किस काम को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसका प्रॉफिट लॉस क्या है। लेकिन अगर उनको फटाफट फीडबैक, वो लोग हमेशा निगेटिव करते रहेंगे। इसलिए दोस्त अगर आपके काम के रिगार्डिंग आप क्लियर हो जाओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो आप बाहर के निगेटिविटी से बच जाओगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, अगर आपके दिमाग में एक बार निगेटिविटी घुस गई अपने काम को लेकर या अपने लाइफ को लेकर, तो आप 100% आलस करने लगोगे। थोड़ा थोड़ा करते जाओगे लेकिन बाद में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी सोसाइटी है उस चीज से बच जाते हो अगर आप इस चीज को क्लियर कर लेते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलने वाला है। अगर सही में आप अपने लाइफ में आलस नहीं करना चाहते हो, आलस से बचना चाहते हो, तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी काम करते हो, आप जिस काम को करते हो सबसे ज्यादा उस काम में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए। नहीं तो दोस्त ऐसे ही आलस आ जाएगा और पूरा एक आलसी इंसान पूरे घर को आलसी कर देगा। समझने वाली बात है ना दोस्त, इस चीज को समझो। दूसरे नंबर में आप अपने काम के रिगार्डिंग कभी भी डाउट मत करो, जो भी करते हो आपको सही तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। हमेशा इस चीज को क्लियर करके रखो क्योंकि आपको काम करने में मजा आएगा, आप कभी भी आलस नहीं करोगे। अगर आप अपने लाइफ में आलस नहीं करना चाहते हो तो अपने लाइफ के रिगार्डिंग सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर कर लो। क्योंकि दोस्त अगर एक व्यक्ति के लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में अगर वो आलसी होता है तो सबसे ज्यादा आलस अपने काम के रिगार्डिंग होता है। तो आई नो डेट 100% कन्फर्म हो। आप थोड़ा सही तरीके से अपने काम को क्लियर करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलता है। 100% आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग आप अपने आलस को अपने आप से दूर रख पाओगे और सही में आपको प्रॉफिट होगा दोस्त। अगर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझे होगे तो हर एक चीज को सही तरीके से समझो, अप्लाई करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।